हाय हेलो फ्रेंड, दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ चाय। तो दोस्तों अभी मिल्क है और मिल्क की चाय कैसे बनती है ये दोस्तों देखते हैं। इसमें कुछ थोड़ी सी चाय की पत्ती डाली और देखते हैं आगे क्या कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ हम डालने वाले हैं और दोस्तों अच्छी चाय कैसे बनती है, स्पेशल चाय। तो देखो उसके अंदर आप इलायची डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, है ना, और चीनी, शुगर जिसको शुगर बोलते हैं, बहुत ही कम से कम डालें ताकि क्या हो जाए कि शुगर शुगर फ्री रहे, क्योंकि चाय बहुत थोड़ी सी अपन शुगर इसमें ऐड करें, है ना, ये ना। और इलायची इसके अंदर डाल दें ताकि बहुत ही अच्छी टेस्टी चाय बनेगी। लौंग भी डाल सकते हैं, अगर आपको सर्दी हो रही है तो लौंग इसमें डाल सकते हैं। और इसके अंदर एक इलायची का दाना, दो कप चाय के अंदर एक इलायची का दाना, दो या चार कप चाय के लिए एक इलायची का दाना काफ़ी है। तो दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इलायची तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों उधर दूध गर्म हो रहा है और तब तक इधर चाय बन जाती है। दूध गर्म हो गया, बहुत ही टेस्टी चाय बनने वाली है। तो दोस्तों मैं एक इलायची इसके अंदर डाल देता हूँ और इलायची को थोड़ी सी बस करना पड़ेगी, थोड़ी सी मिक्स करेंगे इसको, थोड़ी सी बारीक होगी और ये डाल दिया इसके अंदर। तो बहुत ही टेस्टी चाय बनेगी दोस्तों, देखते हैं आप कितनी चाय, कितनी अच्छी, वाह कितनी बढ़िया प्यारी प्यारी चाय बनने वाली है। तो दोस्तों आप भी बना सकते हैं और बहुत ही सुपर और बहुत ही टेस्टी चाय बनी है। देखिए तो देखिए आज चाय बनाने वाले थोड़े मार्केट में चले गए हैं, सुबह सुबह घूमने चले गए हैं, तो चाय देखते हैं कैसी बनती है। तो क्या आपने भी चाय बनाई? अरे ऐसी नहीं बनी अभी तक, कितना अच्छा है। पर दोस्तों देखो ये नहीं कि ज़्यादा ज़्यादा पत्ती बोलना अच्छा नहीं है, अपन यदि ज़्यादा पत्ती डाल दें उससे वो स्वास्थ्य के लिए लाभ हानिकारक है, इसलिए कम पत्ती डालने के बाद चाय को पीना चाहिए। देखो ऐसे ये चाय बहुत ही बढ़िया बनेगी। चाय असम के बागान से चाय आती है और बहुत ही टेस्टी चाय बनती है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कौन सी चाय यूज़ करते हैं जरा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।